गोरखपुर विश्वविद्यालय के विधि विभाग के सेकेंड सेमेस्टर के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र छात्राओं ने परीक्षा फल घोषित करने की मांग कुलपति से की। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि विधि सेकेंड सेमेस्टर के छात्रों का रिजल्ट शुल्क प्रतिपूर्ति के अभाव में रिजल्ट घोषित नहीं किया गया, शेष अन्य वर्गों से छात्रों का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। यह अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों के साथ अन्याय हुआ है। अंबेडकरवादी छात्र सभा के अध्यक्ष ऋषि कपूर गौतम ने कहा कि अगर छात्रों का रिजल्ट शीघ्र घोषित नहीं हुआ तो वे आंदोलन करने को बाध्य होंगे। एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर की छात्र एवं छात्राएं थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, उनका पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। जिन बच्चों को इस समय थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लेकर के गोरखपुर विश्वविद्यालय के थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाई करना चाहिए, अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से आगे बढ़ाना चाहिए, उन बच्चों को विश्वविद्यालय प्रशासन पता नहीं किस साजिश के तहत, वो दलित छात्र हैं इसलिए या क्या साजिश है विश्वविद्यालय को, वो खुद बदनाम करना चाहते हैं, उनका साजिश मुझे समझ में नहीं आ रहा। साजिश के तहत बच्चों का रिजल्ट रोक दिया गया है विश्वविद्यालय में।